कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, कंपाउंड के नाम से ही जाहिर है कि जिसमें एक से ज्यादा लेंस इस्तेमाल किया गया है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम लोग उन काम को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम लोगों को बहुत ही ज्यादा क्लियरली देखना है, जैसे कि हम लोग सेल्स वगैरह जो बहुत ही छोटे सेल्स हैं, जैसे एनिमल सेल हो सकता है, प्लांट सेल हो सकता है, इसके अलावा जो है हमारे पास जंप वगैरह होंगे देखने के लिए, सोमेटा एपिडर्मिस वगैरह को देखने के लिए हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर जो है ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप है वो तो काफी कुछ बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग वो इस्तेमाल करते हैं। आप इसे मतलब देख सकते हैं, ये आईपीस होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट को, और ये हमारे पास डायोप्टर एडजस्टमेंट होती है जिसे हम एडजस्टमेंट करते हैं। इसके अलावा ये जो हमारी हेड होती है उससे थोड़ा सा नीचे हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं, ये चीज हमारी जो है फ्रेम या आर्म कहलाती है। इससे थोड़ा सा नीचे हमारे पास एक स्टेज होती है स्लिट के ऊपर, बिल्कुल जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप की बात की गई थी बिल्कुल ऐसे ही इसमें होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इसमें दो लेंस का आ जाता है। उसमें हम लोग एक लेंस इस्तेमाल करते थे कॉम्प्लेक्स लेंस जो है हमारे कन्वेक्स लेंस, और यहाँ पर हम लोग दो कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं। ये वाली जो चीज है जिसे हम लोग स्टेज कहते हैं, यहाँ पर दो स्लिट्स लगे होते हैं जिनके तहत हम लोग स्लाइड रखते हैं, स्लाइड के ऊपर वो मटीरियल रखते हैं जिसे हम लोगों को माइक्रोस्कोप के अंदर देखना होता है। इसे थोड़ा सा नीचे यहाँ पर हमारे पास एक नॉब होती है, ये बड़ी वाली नॉब को हम लोग कॉर्स कहते हैं, कॉर्स जो फोकसिंग होती है उससे थोड़ा सा आगे छोटी सी दूसरे की नॉब आपको नजर आ रही है, इसे आप फाइन फोकसिंग कहते हैं। यानी कि अगर आपको बहुत फाइन देखना हो तो आप इस नॉब को घुमाते हो, और अगर थोड़ा सा मोटा या बड़ा बड़ा देखना हो यानी कि आपको कॉर्स देखना हो जिसमें इतना फाइन आपको ना आ सकते हो तो आप वहाँ पे कॉर्स जो है एडजस्टमेंट करते हैं। इसके अलावा कि थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आपके पास जो है ये वाला बटन आप देख रही हैं, ये लाइट स्विच होता है यानी लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए होता है, और इसे थोड़ा सा आगे यहाँ पर ब्राइटनेस होती है, मतलब कि आपको कितनी लाइट चाहिए, आपको ब्राइट लाइट चाहिए, थोड़ी सी डिम चाहिए, थोड़ी सी लाइट, जितना आपको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है आप इस वाले बटन को घुमा के एडजस्ट कर देते हैं। ये वाली जो चीज है ये आपका एल्यूमिनेटर है यानी जिससे लाइट इमिट होती है, लाइट जो है आपके डायफ्राम पर डलती है और वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी जो इमेज है स्लाइड पे पड़ती है और आपको इमेज काफी क्लियरली नजर आ जाता है, और ये आपका मैकेनिकल स्टेज होता है। तो ये कुछ कंस्ट्रक्शन थी कि किस तरह से हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर थी। अब अगर इसके काम करने के तरीके को देखा जाए तो हमने जैसे कि कहा कि इसके अंदर दो कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं, एक ये कन्वेक्स लेंस और एक ये कन्वेक्स लेंस। दो कन्वेक्स लेंस में से एक कन्वेक्स लेंस को हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं और दूसरे को आईपीस लेंस कहते हैं। इसे आईपीस इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर हमारी आई होती है और हम आई से इस तरह इमेज को देखते हैं, लेफ्ट साइड जो आई की तरफ हमारा लेंस होता है उसे हम लोगों ने आईपीस लेंस कह दिया, और जो ऑब्जेक्टिव की साइड पे लेंस होता है उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। सबसे पहले हम करते ये है कि हम अपना ऑब्जेक्टिव पहले वाले लेंस जिसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं उसके सामने गुजरती हुई प्रिंसिपल फोकस से गुजरती हुई एक पॉइंट तक पहुंच जाती है, और इसे एक रे इसके सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती हुई एक पॉइंट तक आ जाती है, जैसे कि आप लोगों ने लेंस फॉर्मूला में देखा था। तो यहाँ पर जहाँ ये दोनों रेज आपस में मर्ज होती हैं, मिलती है जिस पॉइंट पर, वहाँ पर आपको एक इमेज मिल जाता है, यानी कि अगर आप देखें तो ये चीज आपके पास जो पॉइंट है ये आपको एक इमेज दे देती है। यहाँ पर अगर आपका ऑब्जेक्ट ओ बी था तो यहाँ पर आके आपके पास ए डैश और बी डैश उसका इमेज आ जाता है। अब इस चीज का जो आपको इमेज मिला है आई पीस के लिए ये चीज ऑब्जेक्ट बन जाती है, जो चीज आपका ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट था, यानी कि ये वाली चीज जो है आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, और इसका जो इमेज आपको मिला है वो इमेज अब आई पीस के लिए वर्क करेगा एज अ ऑब्जेक्ट। तो मैं इसे यहाँ लिख दूँ कि ये यहाँ पे लिख देती हूँ कि वर्क करेगा वर्क एज ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस लेंस फॉर आई लेंस, यानी आई लेंस के लिए अब ये ऑब्जेक्ट बन गया।
तो जब ये ऑब्जेक्ट बन गया तो आप अगर गौर करें तो इसकी पॉइंट ए से जो रे है वो यहाँ पर इसकी अगले वाले कन्वेक्स लेंस यानी आईपीस लेंस के सेंटर से गुजरेगी और यहाँ तक आपकी आंख तक पहुंचेगी। इसके अलावा दूसरी रे जो है वो यहाँ से आएगी, मतलब कि एक रे यहाँ से गई और कुछ रे यहाँ से गई। आप लोग क्या हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पॉइंट ए से रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात की थी कि जो माइक्रोस्कोप है उसमें कन्वेक्स के केस में जो है हमारे स्पेक्ट्रल हो जाता है, तो हम लोग जब इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं दोनों लाइन को तो यहाँ पर आके ये लाइन हमें मिल जाती है और यहाँ पर आके जो इमेज बनाती है लेफ्ट से मैं कह देती हूँ कि ए वन और ये और इस पॉइंट को कह देती हूँ बी वन जहाँ पर उसका बी वाला पॉइंट था। तो इस तरह से इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होता है कि जो ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव के केस में आपका इमेज बनता है वो इमेज आपका आईपीस के लिए वर्क करता है एज अ ऑब्जेक्ट। और इस तरह से अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि इतना सा ऑब्जेक्ट था आपकी एक लेंस को जैसे कि आप इस तरह से देखेंगे कि आपके पास इतना सा एक ऑब्जेक्ट है ए बी, आपने इसे गुजारा है कन्वेक्स लेंस से पास करा है और कन्वेक्स लेंस ने आपको इसका इतना सा इमेज दे दिया यानी कि उसके मुकाबले में काफी बड़ा। अब इसके मुकाबले में इसके आगे आपने एक और कन्वेक्स लेंस रख दिया आपको बहुत बड़ा इमेज मिला है और डबल मैग्नीफाई कर देता है कम्पेयर टू हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप के मुकाबले में। तो इसीलिए हम जो है वो कन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और एक की जगह दो इस्तेमाल करते हैं। अब अगर देखा जाए तो हमें ये तो मालूम है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव लेंस के केस की अगर फिर बात की जाए तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट और इसके दरमियान प्रिंसिपल जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है के दरमियान जो डिस्टेंस है वो टी होता है। इसके बाद जो हमारा इमेज बना है इस ऑब्जेक्टिव लेंस को इस्तेमाल करते हुए वो हमारे प्रिंट ऑप्टिकल सेंटर से लेके इस पॉइंट तक आया है एफ ई तक। इस पॉइंट तक आके हमें जो इमेज मिला है डैश पर इसे हम लोग कहते हैं कि ये वाला डिस्टेंस जो है वो क्यू है यानी ये वाला डिस्टेंस पी और ये वाला डिस्टेंस क्यू है। अब अगर मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करूँ, सिर्फ मुझे ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफाई पावर चाहिए तो आपको मालूम है कि सिर्फ अगर मैं ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करूँ ऑब्जेक्टिव तो एक और आपको बात बताती चली जाऊं कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये वर्क का ये काम करता है एज अ मैग्नीफाइड ग्लास और जब इसके साथ एक और आईपीस रख देते हैं हम एक आईपीस लेंस इस्तेमाल करते हैं तब ये दोनों जो है वो मिलके काम करते हैं एज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सिंपल इज दैट कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस का सारा काम होता है ना ये बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह होता है और अगर मुझे सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह इसकी अगर मैग्नीफाइड पावर निकालनी पड़े तो इसकी जो मैग्नीफाइड पावर है उसे बिल्कुल मैं वही मेथड इस्तेमाल करूंगी जो मैंने लास्ट टाइम सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए इस्तेमाल किया था। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक ट्राइंगल जो है वो ये वाली बन जाती है जिसे मैंने पर्पल कलर से शेड किया यानी कि ए बी सी। अगर इसे इस तरह से लिखूँ कि ये ए है ये बी और ये आपका सी यानी कि ऑप्टिकल सेंटर ये आपकी एक ट्राइंगल है। इसके अलावा यहीं पर आपको दूसरी ट्राइंगल जो कि आपके इमेज की वजह से बनी है उसे आप देख सकते हैं जो कि एक ट्राइंगल आपकी ये है। इसके अलावा एक ट्राइंगल आपकी ये वाली बनती है इस पूरी की पूरी डायग्राम में और तीसरी ट्राइंगल जो आपकी बनती है वो ये वाली ट्राइंगल बनती है। इसे मुझे दूसरे कलर से बताना चाहिए इस कलर से एक ट्राइंगल आपकी ये वाली बनती है जो कि आपकी छोटी वाली ट्राइंगल को अपने अंदर ले लेती है यानी कि इस ट्राइंगल को मुझे इस तरह से कहना चाहिए कि आपके पास एक ट्राइंगल बनती है जिसे आप ए बी सी कहते हैं। दूसरी ट्राइंगल आपके पास जो बनी है वो है ए डैश आपके पास ए डैश सी डैश एफ ओ यानी कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ। यहाँ पे जो एफ ओ लिखा है ना ये ऑब्जेक्टिव लेंथ के लिए फोकल लेंथ लिखा हुआ है। ये ट्राइंगल बनती है जो तीसरी ट्राइंगल है आपके पास वो आपकी ए वन सी इंटू बी वन है। तो आपको जैसे मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव लेंस का जो सारा काम है वो आपकी बिल्कुल जो सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप है बिल्कुल उसी की तरह है, उसी की तरह हम इसकी मैग्नीफाइड पावर निकाल सकते हैं। लेकिन वो निकालने के लिए सबसे पहले आप ये ऑब्जेक्टिव वगैरह से बनने वाले माइक्रोस्कोप का जो है ट्राइंगल इसे कंसिडर करें जो कि ए बी और सी बी। इसके अलावा ये तो आपका असल में एक ऑब्जेक्ट है ना ए बी और इससे जो आपको फाइनल में
फाइनल इमेज मिलता है वो इस ऑब्जेक्ट की वजह से जो फाइनल इमेज आपको मिला है वो तो ए डैश बी डैश है। अगर मैं इसी इन दोनों के दरमियान ही सिर्फ कंपैरिजन करूं तो आप देखेंगे कि ये आपका ऑब्जेक्ट की वजह से बनने वाला इमेज ऑब्जेक्ट है ए बी, और इसकी वजह से जो आपको फाइनल इमेज मिलता है वो ये है, ये बी वन, ये ए वन, और यहाँ पर आकर सी, ये चीज आपकी सी। तो अगर यहाँ पर मैं दोनों ट्राइंगल के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप निकालूँ तो मुझे ये कहना चाहिए कि ट्राइंगल ए सी डी को हम लोग जो है वो कंपेयर कर रहे हैं, इनमें रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, इसको कंपेयर कर रहे हैं हम बी डैश सी ए डैश से। जैसे कि हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप में भी किया था, लेंस एंड कॉनकेव लेंस के फॉर्मूला में भी इस्तेमाल किया लेंस फॉर्मूला में, कि अगर हम दो ट्राइंगल में अगर हम रिलेशनशिप देखना चाहें तो हम करते ये हैं कि उनके जो परपेंडिकुलर है, ये जो उनके परपेंडिकुलर है इनको आपस में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि इनकी जो रेशियो है इनकी बेसिस के रेशियो के इक्वल आ जाती है। तो अगर यही काम सेम यहाँ पर मैं करूँ तो मुझे इस तरह से करना चाहिए कि ए डैश बी बी वन ए वन, अगर यहाँ पर मैं लिखूँ बी वन ए वन तो इस चीज़ को मैं ए बी पर डिवाइड कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने ट्राइंगल टू को ऊपर लिखा है तो मुझे इसकी बेस को ही ऊपर लिखना चाहिए जो कि ए वन और ये बराबर है ए सी डिवाइडेड बाय सी के बस सी इनटू बी सी के, ये बस इनटू सी डिवाइडेड बाय बी सी के। अभी मैं इसका कंपैरिजन करूंगी तो ये तो मेरी कंपैरिजन में काफी मुश्किल हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लेट सपोज डी लिख लूँ और इसको भी डी लिख लूँ तो ये दोनों तो आपस में डी डी करके कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल तो हो जाएंगे लेकिन वन बचेगा जो कि मेरे लिए कोई फायदा नहीं। तो इसके अच्छा मुझे फिर इसके अलावा कोई मेथड सोचना पड़ेगा, यानी कि ये वाला मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते, हम इनकी जो परपेंडिकुलर की रेशियोज हैं उन्हें आपस में नहीं डिवाइड कर सकते। तो इसके अलावा कोई मेथड अब हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसे हम लगाएं तो हमारे पास ये ट्राइंगल सॉल्व हो जाए। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, हम लोगों ने टेन थीटा की रेशियो इस्तेमाल की थी, तो अगर टेन थीटा को ही मैं दोबारा इस्तेमाल कर लूँ यहाँ पर तो आप देखेंगे कि ये जो परपेंडिकुलर है, अगर मैं ट्राइंगल की बात करूँ कि ट्राइंगल ए सी और बी की बात करूँ, चूँकि हम लोगों ने जो पहले मेथड इस्तेमाल किया है उसमें वन आ रहा है और वन हमें नहीं चाहिए, दैट्स वाई वो वाला मेथड हम नहीं लगा सकते। इसीलिए मैंने वो वाला मेथड जो है इस्तेमाल किया था ताकि आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि जिस तरह हम लोग लेंथ फार्मूला में कर सकते हैं तो हम यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते। हम यहाँ पर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वन आ जाता है अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, तो हमें वन नहीं चाहिए, हमें सिंपल एक उनका फार्मूला चाहिए, सिंपल एक रेशो चाहिए इनके दरमियान। तो वो हम इस तरह से ही निकाल सकते हैं कि अगर मैं टेन थीटा लूँ तो टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा। इस सिचुएशन में हमारा जो परपेंडिकुलर है वो एच है और डिवाइडेड बाय बेस है यानी बी और सी, और अगर आप दोबारा से यहाँ पर देखें बी और सी इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो पी है। अगर मैं पी को भी कहूँ कि पी जो है वो इक्वल है कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट के, डिस्टेंस के, तो यहाँ पर मुझे डी लिख देना चाहिए। और जैसे कि हम लोगों ने लेंथ फार्मूला में कहा था कि अगर ए कुछ देर के लिए बहुत ही नज़दीक आ जाए बी के तो उस सिचुएशन में मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो टेन थीटा है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हो गया। तो अगर यहाँ पे मैं सिंपली ये लिखूँ कि थीटा इज इक्वल्स टू, यानी कि थीटा ऑब्जेक्ट कर देना चाहिए ना, चूँकि ये वाला जो थीटा बनता है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट की वजह से बनता है, तो इसे मुझे आई जो है थीटा ओ लिखना चाहिए, यहाँ पर थीटा ओ लिखना चाहिए, तो थीटा ओ जो है वो ए डिवाइडेड बाय डी के इक्वल आ जाता है। तो ये हमारी तकरीबन एक ट्राइंगल तो सॉल्व हो गई। अब बारी है दूसरी ट्राइंगल की ए वन सी। अगर हम इसका डिस्टेंस पीछे से देखें, ये हमारा ए वन है और ये हमारा सी है, यानी कि इमेज और हमारी जो ऑप्टिकल सेंटर है के दरमियान जो डिस्टेंस है जिसे हम क्यू कहते हैं, इस क्यू को हम डी के इक्वल ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँ टेन थीटा वाला फॉर ट्राइंगल ए डैश सी डी डैश के लिए, तो यहाँ पर टेन थीटा फिर मेरे पास एच वन डिवाइडेड बाय ए वन सी जो कि क्यू के इक्वल है और क्यू जो है वो डी के इक्वल ले सकते हैं, तो इस तरह से हमारे पास इसके इक्वल आ जाता है। तो अगर अब मैं आसानी से जो है वो अपनी मैग्नीफाई पावर निकाल सकती हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बताया था
कि जो हमारी मैग्नीफाई पावर होती है वो मैग्नीफाई पावर हमेशा हमारे जो इमेज की वजह से एंगल बनता है उसकी डिवाइडेड बाय हमारे ऑब्जेक्ट की वजह से जो एंगल बनता है उनकी रेशो के इक्वल होता है। यानी कि हमें इमेज की वजह से बनने वाले एंगल को डिवाइड करना पड़ता है ऑब्जेक्ट की वजह से बनने वाले एंगल पर। तो ये चीज़ जो है हमें क्या दे देती है, मैग्नीफाई पावर। और ये जो मैग्नीफाई पावर है, अब इसको मालूम करने के लिए, चूँकि मैंने आपसे कहा है कि हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो है इस तरह से आ जाएगा कि एच वन डिवाइडेड बाई डी डिवाइडेड बाई एच डिवाइडेड बाई डी। तो डी डी से कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर हमारे पास एच वन डिवाइडेड बाई एच आ जाता है। और अगर इसे मैं मज़ीद इस तरह से सॉल्व करूँ कि बजाय इसके कि मैं पूरी ट्राइंगल आई पीस लेंस के लिए भी सॉल्व करूँ, पूरा का पूरा काम दोबारा से इस लेंस के लिए भी करूँ, क्यों ना मैं एक छोटा सा फॉर्मूला लगाऊँ। आपको मालूम है कि जैसे मैग्नीफाई पावर, हमारे पास मैग्नीफाई पावर जो है वो एच वन डिवाइडेड बाई एच निकली है ना, अगर मैं इस मैग्नीफाई पावर को मल्टीप्लाई कर दूँ किस चीज़ से, ये वाली चीज़ जो है लेंथ हमारी, इसे हम लोगों ने कहा ऑब्जेक्ट की एज लेंथ है। और यहाँ पर इमेज की जो लेंथ आई है जिसे हम लोगों ने कहा कि ये ए डैश ए वन और बी वन है, इसकी जो लेंथ आई इसे हमने एच वन कह दिया, क्यों ना मैं सिर्फ इसे एच डैश कह दूँ। ये जो हमारा इमेज है यहाँ पर ए डैश बी डैश था, उसकी जो लेंथ बनी है, चूँकि ये वाला इमेज जो है ये हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाया है जिसने काम किया है एज ऑब्जेक्टिव फॉर आई पीस लेंस, तो इसकी जो लेंथ है उसे मैं अगर थोड़ी देर के लिए ये कह दूँ कि ये एच डैश है, तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल काम ऐसे करूँ कि मैं ऊपर भी एच डैश और नीचे भी एच डैश से डिवाइड करूँ, यानी अगर किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड एक ही रकम से किया जाए तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब इससे क्या होगा कि अगर मैं एच वन को डिवाइड कर दूँ एच डैश से और एच डैश को डिवाइड कर दूँ मैं इससे एच से, तो आप गौर करें कि एच वन डिवाइडेड बाई एच डैश एच डैश, इसे थोड़ा सा अगर आप पीछे जाके देखें तो यानी कि ये आई पीस का इमेज बना है किस इमेज की वजह, किस ऑब्जेक्ट की वजह से, जो कि एच डैश है, यानी एच डैश ने जो काम किया वो ऐसा ऑब्जेक्ट किया है और उस ऑब्जेक्ट की वजह से ये वाला हमारे पास जो है इमेज बना है। और मैग्नीफाई पावर यही तो होती है कि जो आपकी इमेज का साइज है वो ऊपर आता है डिवाइडेड बाई आपके ऑब्जेक्ट का आता है। तो इस सिचुएशन में हमारे जो इमेज की लेंथ आई है वो एच वन है और एच वन डिवाइडेड बाई एच डैश, तो मुझे ये कहना चाहिए कि ये मैग्नीफाई पावर है, ये जो है ये मैग्नीफाई पावर है फॉर आई पीस लेंस के लिए। और जो एच डैश है डिवाइडेड बाई एच, अगर इस चीज़ पे गौर करें एच डैश डिवाइडेड बाई एच, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। और इसकी जो इसकी वजह से जो हमें इमेज मिला है उसकी जो लेंथ आई है, उसकी जो ऊंचाई आई है वो एच डैश आ गई। तो अगर इसकी वजह से सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस की बात की जाए इतने हिस्से की, तो इसकी मैग्नीफाई पावर इस तरह से मालूम की जा सकती है कि इसकी इमेज की जो लंबाई है यानी एच डैश, उसे डिवाइड कर दिया जाए इसके ऑब्जेक्ट की लंबाई से। तो ये चीज़ जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस की जो मैग्नीफिकेशन पावर आ जाती है, क्योंकि मैग्नीफिकेशन पावर होता ही ये है कि आपकी इमेज की जो लेंथ है उसे डिवाइड कर दीजिए ऑब्जेक्ट की लेंथ से। तो ये मेरे पास जो है मैग्नीफिकेशन आ गई है ऑब्जेक्ट की। तो इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि जो मैग्नीफाई पावर होती है फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो इक्वल होती है दोनों के मल्टीप्लिकेशन के, यानी कि हमारे आई पीस के, हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस और हमारे आई पीस लेंस के जो मैग्नीफिकेशन है उनका प्रोडक्ट होती है। ये माइक्रोस्कोप, यहाँ पर हमारे पास एम ई इंटू एम ओ आ गया। और जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि हमारा जो एम ओ यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो वर्क करता है एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाई ग्लास, तो अगर यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू भी लगा दूँ, जो कि आपको याद होगा कि उसकी वैल्यू थी वन प्लस डी बाई एफ, तो ये हमारी एम ओ इंटू मल्टीप्लाई बाई एफ ई। तो ये चीज़ भी आप सिंपल ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के फॉर्मूला में रख सकते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आपको ये फ़ायदा होता है कि अगर आपके पास एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो उसे आप बजाय इसके कि इतना बड़ा करके देखें, आप उसे चार गुना बड़ा करके देख सकते हैं। जैसे कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी 1 मीटर लेंथ है, आपको ऑब्जेक्टिव लेंस इस्तेमाल करने से इसकी जो लेंथ है या इसका जो इमेज है वो 2 मिलेगा, और फिर एक आईपीस इस्तेमाल करने से इसका जो इमेज है वो 4 times इंक्रीज होके 4 मिल जाएगा। यानी कि इसको इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि इससे इमेज जो है वो बहुत इनलार्ज और मैग्नीफाई होकर नज़र आता है। दैट्स वाई हम इसे मुख्तलिफ चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो होप सो आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुका होगा। मैंने इसको दूसरे तरीके से भी समझाने की कोशिश की है, एक दूसरा फार्मूला लगा के ट्राइंगल का, जो कि गलत था,
ताकि आपके जहन से वो कंसेप्ट खत्म हो जाए कि जो चीज़ हम लेंस में करते हैं लेंस फार्मूला में वो भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते थे क्योंकि उस सिचुएशन में हमारे पास वन आ जाता है और हमें सिर्फ सिंपल मैग्निफिकेशन का फार्मूला चाहिए जो कि ट्राइंगल्स को सॉल्व करने से ही यानी कि टेन थीटा की रेशियो लेने से ही हमारे पास आता है। तो ये जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला है वो मैग्निफिकेशन पावर ऑफ आईपीस लेंस इनटू मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस से ही हमारे पास निकलता है। इसीलिए हम सिंपल जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके अंदर दो कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन में। तो ये सिंपल जो है वो हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन थी और उसकी वर्किंग थी और उसको जो है मैग्निफिकेशन फार्मूला था कि इसे किस तरह से अप्लाई किया जाता है और ये किस तरह से काम करती है।